दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे, अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, रखना भी चाहिए। आज दिन है रविवार और डेट है 15 सितंबर। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक दो बातें जो है वो क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों के जो है वो कमेंट्स आ रहे हैं। एक जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ह्यूमर उड़ा हुआ है जब से ये आंटी जी ने वीडियो डाला है ना अबू धाबी का, जहाँ पे वो मस्जिद में जा रही हैं। और वो बहुत ज़्यादा ही कुछ लोगों को बहुत बुरा लग गया है कि वो मुसलमानों को प्रमोट कर रही हैं या फिर दूसरे धर्मों को प्रमोट कर रही हैं, वो सनातन धर्म के जो है खिलाफ़ हैं। तो देखिए, मैं इसके बिल्कुल भी अगेंस्ट हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सभी धर्म जो है एक होते हैं। कोई मुसलमान नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई ईसाई नहीं है। मतलब हम लोगों के जो मन के भाव हैं ना, वही अलग अलग धर्म में परिवर्तित हो गए हैं। तो प्लीज़ इस बात को लेकर के तो कोई उनको गलत कमेंट ना करे कि वो मस्जिद में क्यों चली गई, क्योंकि उनका मन है। और मुझे नहीं लगता है कि धर्म को लेकर के ऐसा मतभेद होना चाहिए, क्योंकि एक ही धर्म होता है जो कि मानवता का धर्म होता है। बाकी सारे धर्म तो हमने अपने मन के विचारों के वजह से बांट करके रखे हैं। तो इसके लिए उनको गलत कमेंट्स ना किया जाए कि वो क्यों चली गई मस्जिद में, क्योंकि मस्जिद जो है वो हमारे भगवान के मंदिर से अलग नहीं है। बस हम जैसे इंसानों ने जो है ना अलग 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 अपने भगवान बांट रखे हैं। तो मस्जिद में जाना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि मेरे मुसलमान भी भाई बंधु हैं, जो मुझे यहाँ पे देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो मुसलमान है वो हमारी बिरादरी से अलग हैं, या कोई मस्जिद में चला गया तो हमारा सनातन धर्म जो है खतरे में आ गया। ये खाली हमारी सोच है, जो कि बहुत ही ज़्यादा घटिया सोच है, कि हम सनातनी हैं तो हम मस्जिद नहीं जा सकते। हम कहीं पर भी जा सकते हैं, क्योंकि भगवान का बंटवारा नहीं हो सकता है। जो राम है वो रहीम भी है, जो कृष्ण है वो करीम भी है। बस सोच अपनी अच्छी होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि मेरी तरफ से तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि मन की आज़ादी जो है ना, वो कहीं पे भी इंसान जा सकता है। भगवान सबके एक ही होते हैं, जो कहते हैं ना परमात्मा एक ही होता है, सबका मालिक एक। तो इसीलिए वो कहीं पे भी जाए, इसके लिए गलत कमेंट्स करना बहुत बेकार लगा मुझे, और ये करना भी नहीं चाहिए। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे दोस्त जो है वो मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि तुमको बहुत पैसे मिल गए, या कहीं से पैसे मिल गए, किसी ने तुमको पैसे दिए इसीलिए तुम बोल रही हो। तो मैं हाथ जुड़वा लो, मेरे ये ब्लॉगर्स, चाहे कोई भी ब्लॉगर्स हो, कोई भी ब्लॉगर्स इतना अमीर नहीं है जो मुझे खरीद सके, ठीक है? चाहे 1 रुपया लेकर के, चाहे 1 लाख लेकर के, चाहे 1 करोड़ लेकर के, अगर किसी भी ब्लॉगर्स में इतना दम हो ना, वो मुझे खरीद करके दिखाए कि हाँ हाँ, अर्पिता को खरीद लिए, ठीक है? ये जुबान मेरी अपनी, और बोलते हम अपनी जुबान से। और जिस दिन मुझे लगेगा कि कोई भी गलत कर रहा है या कोई भी उल्टा सीधा कंट्रोवर्सी कर रहा है ना, उस दिन मेरा पारा खत्म होगा और मैं उधर झुक जा उधर उधर के लिए बोलने लगूंगी। तो ये नहीं है कि नहीं, मैं किसी एक के लिए बोल रही हूँ तो किसी एक ने मुझे खरीद करके रखा है। और जो ब्लॉगर्स जो रात दिन लुग्गा धोती का प्रचार करते हैं, वो हम जैसे लोगों को क्या खरीदेंगे? क्योंकि उनकी औकात ही नहीं है कि वो हम जैसे लोगों को खरीद सके। क्योंकि वो कमाई ही लुग्गा धोती बेच करके या प्रचार करके करते हैं। तो जिसने भी मुझे ये कमेंट किया, आगे चल करके ना फिर उनके मुंह पे ये तमाचा है कि मुझे खरीदने के लिए ना दम चाहिए होगा, और ये दम हर किसी में नहीं है, ठीक है? ये दम सिर्फ उसी में है जो धरती से जुड़ा हुआ है। बाकी जो आसमान में उड़ रहा है ना, वो तो मुझे कतई खरीद ही नहीं सकता है, और कोई भी मुझे नहीं खरीद सकता है, ठीक है? तो ये दोबारा बोलने से पहले कान खोल करके सुन लो। आठ जो है मेरे पर मैसेज प्रमोशन के पड़े हुए हैं, लेकिन मैं कोई ब्लॉगर नहीं हूँ, और ना ही मैं इन ब्लॉगरों जैसे लुग्गा धोती का प्रचार करने के लिए आई हूँ। सारे प्रमोशन जो है वो मेरे ऐसे ही पेंडिंग पड़े हुए हैं, ऐसे ही सारे जो है मेल पेंडिंग पड़े हुए हैं। मैंने जो है उसको कभी भी उठा करके देखा नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं करना ये सब। मुझे जो करना है वो मैं करने के लिए आई हूँ, और मैं अपनी बातें जो है बड़ी बेबाकी से रखती हूँ, और मेरे बातें जो है बहुत लोगों को पसंद भी आती है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो कि मुझे आउट ऑफ कंट्री से भी देखते हैं। तो चलिए, सबको पहले मैं जय श्री कृष्णा करती हूँ और शुरू करती हूँ आज का अपना रिएक्शन। तो सबसे पहले हमारा रिएक्शन जो है ना, वो कल हमने चंगू मंगू का इंट्रोडक्शन दे ही दिया। बहुत लोगों का सवाल है कि ये चंगू मंगू कौन है। तो चंगू मंगू को जानने के लिए जो है ना, आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहती तो यहाँ पे नाम लेकर के भी लोगों को बुला सकती थी हूँ कि ये वो है, ये वो है, या वो ये वो है, लेकिन मैं इन अनब्रांडेड लोगों का नाम नहीं लेना चाहती, इसीलिए मैंने जो है ना नाम रखा हुआ है। वैसे मुझे किसी का नाम रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं किसी का नाम बिगाड़ूँ या किसी का नाम उल्टे सीधे रखूँ, लेकिन ये चंगू मंगू की जोड़ी जो है ये मुझे अच्छी लगती है। और ये चंगू मंगू भाई बहन है, और ये हमारी यूट्यूब के ऐसे भाई बहन हैं ना जिनकी प्रशंसा सब लोग करें, हाथ जोड़ करके करें, क्योंकि ये भाई बहन जो है ना, भाई बहन के रिश्ते के नाम पे बिल्कुल कलंक ही हैं। तो चलिए, अब हम जैसे हम आम लोग होते हैं ना, जिनके भाई बहन रक्षाबंधन पर मिलते हैं, या भाई बहन जो है वो भैया द्वीज में मिलते हैं, लेकिन ये ऐसे भाई बहन हैं जो वैलेंटाइन डे पे मिलते हैं, लाल लाल कपड़ा पहनते हैं, और लगा दें चोलिया के हुकरा जजी पे डांस करते हैं, ये ऐसे वाले भाई बहन हैं, ठीक है दोस्तों? और ये सारे प्रूफ आप लोगों को इनकी वीडियो में ही देखने को मिल जाएगी, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है।
तो चलिए, बहुत लोगों का जो है ना वो हमने कमेंट्स देखे, रिएक्शंस देखे, और मैंने सोचा कि सब लोगों ने अपनी जो है राय दे दी है, तो मैं भी राय दे दूँ जो हमारे यहाँ बाउंसर पार्टी हुई थी उसको लेकर के। तो बाउंसर पार्टी को ना सब लोगों ने बहुत ज़्यादा जो इसका छीछा लेदर कर दिया। तो देखिए चंगू, मैं आपके तरफ से हूँ क्यों, क्योंकि ये जनता आपसे जलती है, लेकिन मैं नहीं जलती क्यों, क्योंकि आप हमारे चंगू हो। तो चंगू से मैं बिल्कुल भी नहीं जलती। और दोस्तों, जो लोग बोल रहे हैं कि चंगू के पार्टी में कोई नहीं आया था, तो शायद वो लोग जल रहे हैं। हमारे चंगू के पार्टी में बहुत सारे लोग आए थे और बहुत सारा अच्छा पार्टी हुआ था, बहुत ज़्यादा ही, बहुत घमासान हो गया था, मतलब पैर रखने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं था, बहुत सारे लोग आए थे। बस ये है कि हमारे चंगू के कैमरे में कैद नहीं हो पाए, क्योंकि सब लोग मिस्टर इंडिया थे और हमारा चंगू जो है वो मिस्टर इंडिया को कैप्चर ही नहीं कर पाया, इसीलिए जो आप लोगों को जगह खाली दिखाई दे रहा था। लेकिन जो हमारे सब्सक्राइबर गए हुए थे, मतलब जो मेरे दोस्त गए हुए थे, उन सब ने जो है ना मुझे वहाँ की ताज़ी खबर दी थी कि हमारे चंगू के जो है बर्थडे पार्टी में बहुत सारे लोग आए थे, और इतना ज़्यादा लोग आए थे इसीलिए जो इतना तादाद में बाउंसर रखना पड़ा था। बाकी खाना भी वहाँ पर A1 का था। बहुत लोग जो है वो जो जनता जो जलती है हमारे चंगू से, वो कह रही है कि हमारे चंगू ने जो है ना भंडारे वाला खाना खिला दिया, सब्जी पूड़ी और खीर। ये सरासर गलत है दोस्तों, ये बिल्कुल भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हमारा चंगू के यहाँ स्टार्टर भी था, हमारे चंगू के यहाँ अच्छा खाना भी था, हमारे चंगू के यहाँ डिजर्ट भी था, हमारे चंगू के यहाँ सब कुछ था। क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर वहाँ पे गए हुए थे ना दो चार, उन्होंने बताया वहाँ का जो एकदम असली चीज़ कि दीदी यहाँ पे डिजर्ट में बहुत सारी चीज़ें थी, और आइसक्रीम था, और क्या बोलते हैं, अलग अलग फ्लेवर के आइसक्रीम भी थे, कोल्ड ड्रिंक्स भी था, और क्या बोलते हैं, अच्छी अच्छी जो शरबतें होती है, जैसे रुआबजा भी था, और मिसराम्बू वाला शरबत भी था, और साथ के साथ में वहाँ पे क्या बोलते हैं, नींबू पानी भी था, और साथ में गन्ना का भी जूस था। क्योंकि हमारा जो चंगू है वो थोड़ा गांव वाला टच भी लेकर के अपने पार्टी में रखा हुआ था, तो वहाँ पे गन्ने का भी जूस था, सब लोगों ने बताया। और जो लोग यहाँ पे निंदा कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं, किसी की ऐसी निंदा नहीं करनी चाहिए, और बिल्कुल भी ये गलत है। और इस चीज़ के लिए मैं अपने चंगू को सपोर्ट करूँगी कि चंगू ने A1 व्यवस्था करी थी, बस जनता को वो दिखी नहीं। दूसरी बात यह है कि खाने में हमारे चंगू ने पूड़ी सब्जी खीर ये नहीं रखा था, ये झूठ बोल रहे हो आप लोग। ये हमारा चंगू ने बिल्कुल मटर पनीर रखा था। हमारे तो कई दोस्त ऐसे हैं जो कि शाही पनीर ऐसे पॉलीथीन में भर भर के घर लाए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा बन गया था, इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया था कि हमारे चंगू ने बोला कि भैया इतना हमारा मटर पनीर, बटर मसाला, ये सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो इसीलिए हमारा जो चंगू है वो सबको पॉलीथीन में भर भर के दिया था। तो हमारे भी कई सब्सक्राइबर बोल रहे थे कि हम लोग भी घर ले गए थे और 2 दिन फ्रिज में रख करके शाही पनीर और पनीर बटर मसाला ये सब खाया हुआ था उन्होंने। खाना बहुत अच्छा था दोस्तों, 36 प्रकार के जो है वो खाने बने हुए थे, सब्जी जिसमें कचौड़ी भी थी, लाल पूड़ी, सफ़ेद पूड़ी, और क्या बोलते हैं वो मसाला पूड़ी, पूड़ी पापड़ भी था दोस्तों, 3 प्रकार का तो पापड़ था, एक आलू पापड़, एक लिज्जत वाला पापड़, एक मूंग का पापड़, पापड़ भी 3 प्रकार का था। सारी चीज़ें एकदम A1 व्यवस्था थी दोस्तों, सारे मिस्टर इंडिया आए थे, सब लोगों ने खाना खाया, और एकदम खचाखच भीड़ भरी हुई थी, बिल्कुल भी भीड़ भरी हुई थी। बस इसीलिए हमारे चंगू को जो है वो बाउंसर रखना पड़ा था, और कोई कारण नहीं है। बस ये जनता जो है ना जानबूझ के हमारे चंगू भैया को जलील करना चाहती है, जबकि हमारे चंगू भैया बिल्कुल A1 पार्टी रखे थे। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि हमारे चंगू भैया के जो है पार्टी में रसगुल्ला नहीं था। किसने कहा कि रसगुल्ला नहीं था? कम से कम 3 किलो के करीब हमारे घर में तो हमारे जो सब्सक्राइबर है वो अपने घर रसगुल्ला लेकर के गए थे। कैसे कह सकते हैं आप लोग कि हमारे चंगू के पार्टी में रसगुल्ला नहीं था? सब कुछ था, रसगुल्ला था, गुलाब जामुन था, काला जामुन भी था, शाही टुकड़ा था। हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो हमको दिखा रहे थे, ऐसे फ़ोटो में भी दिखाए कि देखिए दीदी शाही टुकड़ा है, वो इसे खा रहे थे, हमको स्क्रीनशॉट भी भेजे थे, मतलब दिखाए थे, और वो भी बता रहे थे कि वहाँ पे शाही टुकड़ा भी था, सारी चीज़ें थी, सब कुछ था। और दूसरी बात यह है कि हमारे चंगू को बहुत ज़्यादा जलील किया जा रहा है कि हमारा चंगू जो है उसकी गाड़ी ख़राब, मतलब मैली थी। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, हमारा चंगू एकदम गाड़ी जो है एकदम साफ़ करवा करके गया था। बस ये है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ गया था, एकदम झमाझम बारिश होने लगी थी, एकदम भयंकर तूफान आ गया था, इसीलिए जो सारा धूल वूल उड़ने लगा था, जिसकी वजह से सारा धूल मिट्टी जा कर के चिपक गया हमारे चंगू के गाड़ी पे, और हमारा चंगू का गाड़ी नीला से काला हो गया, पता नहीं कौन सा कलर का हो गया, और सारा धूल मिट्टी हमारे चंगू के गाड़ी पर चिपक गया। बाकी हमारा चंगू एकदम गाड़ी साफ करा करके गया था। तो
तो ये भी आप लोग गलत ना करें। किसी भी व्यक्ति की इतनी निंदा नहीं करनी चाहिए कि हमारा व्यक्ति जो है एकदम चंगू हमारा एकदम से डिस्परेशन में चला जाए। सब कुछ एवन था और हमारे चंगू ने गिफ्ट भी दिया था अच्छा से हमारे सिंचैन को, और वो बिल्कुल भी प्रमोशन का गिफ्ट नहीं था। वो चंगू ने हमारा जो एकदम 24 कैरेट गोल्ड खरीदा था और अपने अपने रुपया का खरीदा था, जो स्कूल में उसको तनख्वाह मिलती है ना, उस तनख्वाह से हमारे चंगू ने जो है वो सारी चीज़ें खरीदी थी। तो दोस्तों सब कुछ पार्टी में कूल था, बस जनता जो है वो झूठ मूठ का अफवाह फैला रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी को कंटिन्यू करते हैं।